स्वागत है आपका वेब हिंदी डॉक्यूमेंट्री में। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंग की कमेंट्री और राय के जरिए ब्रह्मांड के निर्माण का लेखा जोखा लिया गया है। हेलो, मेरा नाम है स्टीफन हॉकिंग, एक भौतिकी शास्त्री, अंतरिक्ष विज्ञानी और एक स्वप्न दृष्टा। हालांकि मैं चल फिर नहीं सकता और बात भी एक कंप्यूटर के जरिए करता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग की उड़ान बहुत ऊंची है, उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं। मेरा दिमाग ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज जानने की कोशिश करता है, जैसे कि हमारा ब्रह्मांड ऐसा क्यों है, ये नियम और कानूनों पर क्यों चलता है, इसमें हंगामे की बजाय सब कुछ इतने सलीके से कैसे है। इसे जानने की कोशिश में हमें कुछ और गहरे राज पता लगे। ये भी पता लगा कि सिर्फ एक सिद्धांत पर ही ब्रह्मांड की हर चीज चलती है। ओरोरा ऑस्ट्रालिस या सदर्न लाइट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी देखा जा सकता है। मैं जिंदगी भर ऐसे खूबसूरत रहस्यों की वजह का पता लगाने की कोशिश करता रहा। मुझे यकीन था कि इससे हमें ब्रह्मांड के रहस्यों का भी पता लग जाएगा। ये तलाश थी उस चीज की जिसे मैं ग्रैंड डिजाइन कहता हूं, ब्रह्मांड की असली कुंजी। अच्छी खबर है कि वो शायद हमें मिल चुकी है, करीब करीब। वहां तक पहुंचने का हमारा सफर बड़ा ही मुश्किल सफर था। इसकी शुरुआत हुई थी करीब 350 साल पहले इंग्लैंड के एक छोटे से शहर कैम्ब्रिज में। ये बात है सन 1665 की। इंग्लैंड में फैली महामारी की वजह से बड़े पैमाने पर लोग मर रहे थे। महामारी से बचने के लिए छात्र आइजैक न्यूटन शहर से भाग निकले। अच्छा हुआ कि उन्होंने शहर छोड़ दिया, क्योंकि न्यूटन की सोच बिल्कुल अलग थी और उन्होंने ब्रह्मांड को बिल्कुल नए नजरिए से देखा था। न्यूटन ने उस ग्रैंड डिजाइन की तलाश शुरू की थी उन रहस्यमय नियमों की खोज से जिनसे कुदरत चलती है। उनके सवाल थे, चीजें चलती क्यों है, वो रुकती क्यों है, और सबसे बड़ी बात, वो जमीन पर ही क्यों गिरती है। आपको शायद ये लगे कि इन सवालों के जवाब जानकर भला दुनिया कैसे बदलेगी, मगर दुनिया बदली थी, क्योंकि न्यूटन ने पता लगाया कि ब्रह्मांड के ताने बाने के अंदर एक बल तो है जिससे हर चीज एक दूसरे की ओर खींचती है। वो बल था गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में काम करता है और उसकी ताकत कुछ बुनियादी चीजों पर निर्भर करती है। वो है उन चीजों का भार और उनकी एक दूसरे से दूरी। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए न्यूटन ने गणित की एक बिल्कुल नई भाषा बनाई, जिसे नाम दिया कैलकुलस। ये जानना जरूरी नहीं है कि वो कैसे काम करता है, मगर 23 साल के युवक के लिए ये एक बड़ी अहम खोज थी। आज दुनिया भर के वैज्ञानिक उसका इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन की कोशिशों की वजह से आज हम हर चीज का पता लगा सकते हैं। तारों के चारों ओर घूमते ग्रह हो, या ग्रहण का सही वक्त हो, या फिर बारिश की बूंदों की दिशा, आज भी हम वही कर रहे हैं जो न्यूटन ने किया था। हालांकि हमारा काम बड़ा ही जटिल लगता है, पर यह बड़ा आसान है। हम उस छिपे हुए मैकेनिज्म का पता लगा रहे हैं जो हर चीज के अंदर है।
हम सिर्फ यही कर सकते हैं क्योंकि हम उन महान वैज्ञानिकों के कंधों पर सवार हैं जिन्होंने ब्रह्मांड के काम करने के तरीके की एक एक कड़ी जोड़ी थी। उन महान वैज्ञानिकों में से एक थे मेरे एक और आदर्श जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल को प्रकाश से खास लगाव था और इसी लगाव से उन्होंने सन 1861 में कलर फोटोग्राफी की खोज की थी, मगर ये तो उस कामयाबी की शुरुआत थी जो इस महान वैज्ञानिक ने हासिल की थी। उसी वक्त उन्होंने फिजिक्स के उस बिल्कुल अलग साम्राज्य की जांच पड़ताल शुरू की थी जिसने सब कुछ बदल डाला था। ये था मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के बीच का वो जादुई, अनोखा और चौंकाने वाला कनेक्शन। इसमें कुछ भी जटिल नहीं है। अगर हम एक तार के करीब चुंबक ले जाते हैं तो तार में बिजली की धारा बहने लगती है। अगर तार में बिजली की धारा बह रही है तो वो चुंबक की तरह काम करती है और कंपास की सुई दिशा बदल लेती है। मगर ये किस चीज से जुड़े हैं? मैक्सवेल मानते थे कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऊर्जा की वो धारा जो इलेक्ट्रिकल भी है और मैग्नेटिक भी, उन्होंने उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा। तभी एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हिसाब लगाने पर पता लगा कि ये बेहद तेज रफ्तार से चलती हैं, 2,99,338 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ये वही रफ्तार थी जो पहले से ही प्रकाश की रफ्तार मानी जा रही थी। इससे वो एक चौंकाने वाले नतीजे पर पहुंचे। प्रकाश भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और प्रकाश को चार समीकरणों की एक श्रृंखला में जोड़ा, जो मेरे हिसाब से विज्ञान के इतिहास की एक सबसे बड़ी खोज थी। उन समीकरणों को मैक्सवेल के नियम कहते हैं। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर रोशनी का शानदार नजारा पेश करने वाली से लेकर आज की दुनिया चलाने वाली इलेक्ट्रिकल और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को संचालित करते हैं। आज की दुनिया की हर मशीन, चाहे वो कंप्यूटर हो या पावर स्टेशन या फिर वॉशिंग मशीन, हर चीज मैक्सवेल के बताए नियमों पर ही चलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने हमारी पृथ्वी को रोशन कर रखा है। ये सबूत है उस आला दिमाग शख्स की सोच का। मगर प्रकाश मैक्सवेल की उम्मीद से कहीं ज्यादा दिलचस्प चीज है। हालांकि वो ये नहीं जानते थे, मगर उन्होंने उस ग्रैंड डिजाइन का एक बड़ा ही अहम सुराग ढूंढ निकाला था। वो सुराग था प्रकाश की रफ्तार। प्रकाश एक तरंग है जो बिना किसी माध्यम के बहती है। कितनी अजीब बात थी। और ये कहना कि उसकी रफ्तार भी नहीं बदलती, ये तो और चौंकाने वाली बात थी। ये तो अच्छा है कि हमको ऐसी चौंकाने वाली बातें ही पसंद आती हैं, क्योंकि वो अक्सर नई खोज की ओर ले जाती हैं। इस खोज की वजह से ही आज तक की सबसे बड़ी खोज हो पाई। प्रकाश की रफ्तार नहीं बदलती। इस खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हम वैज्ञानिकों की राय ही बदल दी। उसके बाद आए मेरे एक और आदर्श अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने प्रकाश की फितरत के बारे में एक गहरा राज खोला। उन्होंने ऐसा कैसे किया, ये बताने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने बचपन में। मेरी पुरानी खिलौना ट्रेन से हम साबित कर सकते हैं कि आइंस्टाइन ने प्रकाश की निश्चित रफ्तार पर जो सवाल उठाए थे, उसका ब्रह्मांड पर क्या असर हुआ। आइंस्टाइन ने एक बड़ा मामूली सा सवाल उठाया था। ये मामूली सी ट्रेन जैसी कोई चीज कितनी तेजी से चल सकती है?
ये बात 1950 के दशक की है और तब खिलौना ट्रेन भी उतनी अच्छी नहीं होती थी। मान लेते हैं कि ये करीब 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, लेकिन अगर आपने इसे देखने का एंगल बदल लिया तो इसका जवाब भी अलग होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर करीब 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से घूम रही है। वहां ऊपर से देखने पर मेरी ट्रेन ज्यादा तेजी से चलती नजर आएगी। पृथ्वी करीब 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सूरज का चक्कर लगा रही है। यहां तक कि सूरज भी स्थिर नहीं है, वो हमारी आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगा रहा है और आकाश गंगाएं भी अंतरिक्ष में घूम रही हैं। ऐसे में मेरी ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी? जाहिर है ये निर्भर करता है कि आप उसे कहां से देख रहे हैं। वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, 1,00,000 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे कहीं ज्यादा तेज हो सकती है। फिर समस्या क्या है? ये तो कोई भी समझ सकता है कि रफ्तार हमारे नजरिए पर निर्भर करती है, मगर ये मत भूलिए कि मेरी खिलौना ट्रेन की तरह प्रकाश की रफ्तार नहीं बदलती है, भले ही हम उसे कहीं से देखें। ऐसे में किसी चीज को देखने की जगह वाली ये राय टूट जाती है। इसे समझाने के लिए आइंस्टाइन ने भी एक ट्रेन की ही मदद ली थी, लेकिन वो असली थी। उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया और पूछा कि सिगरेट लाइटर जैसी मामूली सी चीज को जलाने पर अलग अलग नजरिए से देखने वाले लोगों को वो कितना अलग नजर आएगा। उन्होंने कल्पना की कि एक आदमी रेल के डिब्बे के बीच में एक लाइटर से खेल रहा है और उस डिब्बे के दोनों किनारे पर खड़े दो लोग देख रहे हैं। दोनों लाइटर से बराबर दूरी पर हैं। आइंस्टाइन ने कहा कि बड़ा सवाल ये नहीं है कि दोनों लोग क्या देख रहे हैं, बड़ा सवाल ये है कि वो कब देख रहे हैं। दोनों एक ही डिब्बे में हैं और एक ही रफ्तार पर जा रहे हैं, इसलिए दोनों रोशनी को एक ही वक्त पर देखेंगे। लेकिन अगर कोई डिब्बे के बाहर हो तो अब ये महिला क्या देखेंगी? इनके नजरिए से ट्रेन आगे जा रही है, इसलिए प्रकाश की किरण भी थोड़ा आगे जाएगी, तब वो आगे वाले शख्स तक पहुंचेगी। मगर दूसरी तरफ पीछे की ओर खड़े शख्स की ओर जाने वाली किरणें थोड़ी कम दूरी तय करेंगी, क्योंकि वो उनकी ओर आ रहा है। ये देखती है कि प्रकाश की किरणें पीछे वाले आदमी के पास आगे खड़े आदमी के मुकाबले ज्यादा जल्दी पहुंचती है। इसका मतलब है कि ट्रेन के चलते डिब्बे के अंदर कोई बैठा हो तो उसके लिए कोई घटना एक ही वक्त पर होती है, लेकिन अगर प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो तो वो अलग अलग वक्त पर होती है। जरा रुकिए, अब सोचिए कि इसका मतलब क्या है। मतलब तो यही है कि हम ये नहीं बता सकते कि कोई घटना एक खास वक्त पर हुई है या नहीं। सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप उसे कहां से देख रहे हैं। अब अगर इसी बात को हम ब्रह्मांड के पैमाने पर ले ले तो मामला और उलझ जाता है। अगर सच्चाई इस बात पर निर्भर करती है कि हम कहां खड़े हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ब्रह्मांड के अंदर क्या चल रहा है? इससे बड़ी बात, अगर हम ये नहीं जान सकते कि ब्रह्मांड में दो घटनाएं एक ही वक्त पर हो रही हैं या नहीं, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि ब्रह्मांड काम कैसे करता है? फिक्र मत कीजिए, आइंस्टाइन ने ही इस सवाल का भी जवाब दिया था अपनी स्पेशल रिलेटिविटी की थ्योरी से। आइंस्टाइन ने कहा
कि सच्चाई फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि समय खुद फ्लेक्सिबल है। बात भले ही अजीब लगती है मगर इस फ्लेक्सिबिलिटी से ही फिजिक्स का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट बना। आइंस्टाइन ने कहा कि मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी और प्रकाश की तरह समय और अंतराल भी एक दूसरे से जुड़े हैं और इसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। ये स्पेस टाइम भी फ्लेक्सिबल है, उसे मोड़ा जा सकता है और तारे, ग्रहों और तारा मंडलों के भार के नीचे दबाया भी जा सकता है। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इन विकृतियों से उस रहस्यमय बल का भी पता लगता है जिसकी खोज न्यूटन ने कई सौ साल पहले की थी। गुरुत्वाकर्षण ही स्पेस टाइम को विकृत करता है। भले ही समय या अंतराल को मोड़ने की बात आपके लिए मुश्किल हो, पर ऐसा है नहीं। मान लीजिए कि एक बोट एक शांत झील में बिल्कुल सीधे रास्ते पर जा रही है और वो झील अंतहीन है। वो शांत झील स्थिर स्पेस टाइम जैसी है। अब मान लीजिए कि उस झील के तल पर एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और सारा पानी उसमें बह जाता है। झील भी उसी तरह से विकृत हो जाती है जैसे एक ग्रह से स्पेस टाइम। इसका असर ये होगा कि बोट भी उस गड्ढे की ओर खींचेगी और वो उसके आसपास मुड़ने लगेगी, जबकि उसे उस वक्त भी सीधे रास्ते पर ही ले जाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही असर स्पेस टाइम पर किसी विशाल तारे या ग्रह का होता है। वो अपने चारों ओर घुमाने लगता है, अपनी ओर खींचने लगता है और ऐसे में पृथ्वी पर चीजें गिरती हैं। यही है गुरुत्वाकर्षण। आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड के ताने बाने को बड़ी गहराई से देखा और उसके अंदर की कारीगरी को समझा। प्रकाश की निश्चित रफ्तार का पता लगाने के 10 साल बाद उन्होंने पता लगाया कि समय और अंतराल के विकृत होने पर कुदरत का बुनियादी बल गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है। उनकी ये खोज हमें ब्रह्मांड की उस गुप्त कुंजी की खोज के और करीब ले आई। मगर इसके बाद जो हुआ उसके लिए तो आइंस्टाइन भी तैयार नहीं थे। हालांकि आइंस्टाइन ने ब्रह्मांड की कारीगरी को देख तो लिया था पर वो ये नहीं जान पाए थे कि वो काम कैसे करती है। उनके सिद्धांत प्रकाश की रफ्तार पर आधारित थे, बेहद तेज तरंगों पर जो अंतरिक्ष के खालीपन में बहुत तेजी से बढ़ती है, पर उनसे ये पता नहीं लगता कि वो तरंगे आखिर हैं क्या। इस सवाल का जवाब दिया सन 1919 में एक जर्मन थियरिस्ट थियोडोर कलुत्ज़ा ने। गुरुत्वाकर्षण के बारे में आइंस्टाइन की राय से प्रेरणा लेकर कलुत्ज़ा ने सोचा कि क्यों ना इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और प्रकाश पर भी आजमाया जाए। क्या प्रकाश तरंगे स्पेस टाइम की सबसे बड़ी विकृति है, ब्रह्मांड के ताने बाने में उठने वाली तरंगों जैसी? ये एक बड़ा सवाल था और जवाब मिला हाँ। इतने आला दिमाग होने के बावजूद कलुत्ज़ा गलत वक्त पर सामने आए थे। उनकी इस राय को फिजिक्स की एक नई विचारधारा ने खारिज कर दिया क्योंकि वो हर बात पर सवाल करती थी। वो थी क्वांटम मैकेनिक्स। ये वो दौर था जब फिजिक्स ने ब्रह्मांड की कुछ बहुत ही छोटी चीजों का अध्ययन शुरू किया था। एक परमाणु के अंदर ब्रह्मांड बड़ी ही अनोखी और उथल पुथल भरी जगह नजर आ रही थी। एक ऐसी जगह जहां के नियम लागू नहीं होते थे। ये दुनिया कितनी अनोखी थी इसका पता लगता है एक बड़े ही मामूली से प्रयोग से जिसमें इस्तेमाल किए गए थे बड़े ही छोटे छोटे कण
इलेक्ट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन्स की बौछार की गई एक डिटेक्टर की ओर दो छोटी दरारों के बीच। आम धारणा तो यही थी कि वो इलेक्ट्रॉन्स सीधा उन दरारों के पार जाकर डिटेक्टर पर इन दो हाइलाइटेड जगहों से टकराएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। हुआ ये कि डिटेक्टर ने एक पैटर्न बनाया जिसमें सिर्फ दो नहीं बल्कि कई लाइनें थीं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इलेक्ट्रॉन्स या इतनी छोटी कोई चीज ऐसा भी कुछ कर सकती है। इन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स ने फिजिक्स के नियम तोड़ दिए थे। ये बात कितनी अजीब थी, इसे समझाने के लिए मैं अब इलेक्ट्रॉन्स की जगह वो चीज लेने जा रहा हूं जो आपकी जानी पहचानी है, फुटबॉल। देखिए, ये स्ट्राइकर एक फ्री किक मारने को तैयार है। जाहिर है ये पूरी कोशिश करेगा कि सामने खड़ी सुरक्षा दीवार को पार करके गेंद गोल पोस्ट के अंदर जाए और सामने खड़े खिलाड़ी उसे रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन अगर इसके ऊपर हम सब एटॉमिक या क्वांटम वर्ल्ड के नियम लगा दें तो नजारा बिल्कुल अलग होगा। इसे देखकर ही हर फिजिसिस्ट की फिक्र बढ़ गई थी। गेंद एक निश्चित मार्ग पर जाने की बजाय इलेक्ट्रॉन्स की तरह हर संभव मार्ग पर जा रही है। इससे गोलकीपर के पास कोई मौका ही नहीं रहता। गोल पोस्ट में जाने के बाद गेंद ने एक सच्चाई का रूप ले लिया, मगर उससे पहले वो हर जगह नजर आ रही थी। कहा था ना, ये बात अजीब है। मैं बता नहीं सकता कि सच्चाई का ये नजारा कितना चौंकाने वाला है। अगर उस पर हर जगह इतनी उथल पुथल मची है तो क्या जो कहानी न्यूटन ने शुरू की थी मैक्सवेल ने आगे बढ़ाई और जिसे आइंस्टाइन और कलुत्ज़ा ने नया रूप दिया, उसका ये अंजाम होगा इस रूलेट के खेल जितना बेतरतीब? शायद ब्रह्मांड के राज हमारी समझ से परे है, क्योंकि हमारा दिमाग अभी उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। हम फिजिसिस्ट के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात थी उस सब एटॉमिक की उथल पुथल और हमारी असली दुनिया में सलीके से होने वाली हर चीज के बीच का इतना बड़ा फर्क, मगर ये ज्यादा समय तक नहीं रहा। 1950 के दशक में एक शख्स ने उस बेतरतीबी और संभावनाओं पर अपनी राय दी। ये है रिचर्ड फाइनमैन, पार्टियों के शौकीन, माहिर जुआरी, मगर बेहद आला दिमाग। फाइनमैन ने अपने पसंदीदा खेल के गणित को क्वांटम वर्ल्ड की अनिश्चितताओं से जोड़ दिया। उनका दावा था कि जिस तरह रूलेट की गेंद लॉज ऑफ चांस का पालन करती है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी करता है। हर खिलाड़ी जानता है कि वो ये दावा नहीं कर सकता कि गेंद किस नंबर पर गिरेगी, मगर वो संभावनाओं पर चलता है और 37 बार में से एक बार उसका तीर सही निशाने पर लगने की उम्मीद होती है। इसी संभावना के आधार पर फाइनमैन ने वो खास नियम बनाए जिनके आधार पर शायद कोई खास क्वांटम घटना होती है।
जब उन्होंने क्वांटम वर्ल्ड को साध लिया तब विज्ञान भी असमंजस के कगार से बाहर आ गया। रिचर्ड फाइनमैन ने हम फिजिसिस्ट की बहुत बड़ी मदद की थी। माना कि उन्होंने हमें भी उस ग्लैमर से जोड़ दिया था, पर उनकी इस खोज ने कि क्वांटम वर्ल्ड का भी अंदाजा लगाया जा सकता है, इससे हमें उस ग्रैंड डिजाइन की खोज फिर से शुरू करने का मौका मिल गया। फिजिक्स अब वो कनेक्शन ढूंढने लगा जो ब्रह्मांड के बड़े से बड़े पैमाने और छोटे से छोटे पैमाने को जोड़ते थे। इसके लिए हमने फिर से उस भूले बिसरे सन की और अपने आप तैराक बने जर्मन फिजिसिस्ट थियोडोर कलुत्ज़ा की मदद ली। फिजिसिस्ट अब वो तरीके ढूंढने लगे थे जिनसे उनके सिद्धांतों का इस्तेमाल कुदरत की छोटी से छोटी चीजों पर किया जा सके। परमाणु के अंदर की दुनिया, जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, उसका केंद्र दूसरे कणों से बना होता है जिन्हें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहते हैं। उनके अंदर उनसे भी छोटी चीज होती है जिसे क्वार्क कहते हैं। क्वार्क भी जिस चीज से बने होते हैं उसे हम फिजिसिस्ट स्ट्रिंग कहते हैं, और वो समय और अंतराल की ज्यादा जटिल विकृति है। आप उन्हें वायलिन के वाइब्रेट करते तारों जैसा मान सकते हैं। जिस तरह से वायलिन के तार वाइब्रेट करके अलग अलग सुर बजाते हैं, वैसे ही सब एटॉमिक तार के वाइब्रेट करने पर अलग अलग किस्म के बुनियादी कण बनते हैं। यही वो सूक्ष्म कण है जिन्होंने हमारे आसपास के ब्रह्मांड को गढ़ा है। कलुत्ज़ा और आइंस्टाइन के सिद्धांतों पर आधारित स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि तारों के वाइब्रेशन से स्पेस टाइम में बड़े ही सूक्ष्म पैमाने पर विकृति पैदा होती है, और वो ये काम दिमाग चकरा देने वाले 10 आयामों में करते हैं। अगर वो तार एक तरफ वाइब्रेट करते हैं तो उनसे एक खास किस्म के बुनियादी कण बनते हैं, मसलन क्वार्क। लेकिन जब वो दूसरी तरफ वाइब्रेट करते हैं तो उनसे न्यूट्रिनो बनते हैं, जो एक अलग किस्म का कण है। मगर अब सुनिए अक्ल की बात। स्ट्रिंग थ्योरी से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कण जिस तरह से संगीत के सुरों की तरह एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं वो वैसा क्यों करते हैं। यहीं से फिजिक्स के सारे नियम बने हैं, वो नियम जिनसे ब्रह्मांड की हर चीज चलती है, चाहे बात ब्लैक होल के व्यवहार की हो या तारों के पैदा होने या मरने की। अब आप कागज के रोल जैसी मामूली सी चीज का जमीन पर गिरना ही ले लीजिए, या फिर एक मैग्नेटिक कंपास की सुई का हिलना, ये मामूली से मगर बुनियादी काम भी स्ट्रिंग थ्योरी के नियमों पर ही होते हैं। अभी तो इस स्ट्रिंग थ्योरी के कई अलग अलग वर्जन हैं, जिन्हें साथ में मिलाने पर बनती है एम थ्योरी। ये कोई नहीं जानता कि उसमें एम का क्या मतलब है, वो मास्टर है, मिरेकल है, या फिर मिस्ट्री है, या फिर तीनों ही। कुछ भी हो, अभी हमें काफी काम करना है। मगर पूरी होने से पहले ही इस एम थ्योरी ने एक कमाल की भविष्यवाणी की है।
हमारा ब्रह्मांड इकलौता नहीं है, इसके जैसे कई और ब्रह्मांड हैं। फिजिक्स ने न्यूटन और मैक्सवेल के जमाने से लेकर आज तक बड़ा लंबा सफर तय किया है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मैं उस दौर में हूं जो एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। टोरंटो के पास मौजूद परिमिटर इंस्टीट्यूट फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स में अपने सहयोगियों के साथ मैं ये सोच रहा था कि स्ट्रिंग थियोरी के मुताबिक ब्रह्मांड में हमारी क्या हैसियत है। स्ट्रिंग थियोरी ने एक बड़ी चौंकाने वाली बात कही थी कि ब्रह्मांड एक नहीं है बल्कि ऐसे कई लाख करोड़ ब्रह्मांड हैं। शायद इतने ब्रह्मांड जितने हमारे ब्रह्मांड में तारे भी नहीं हैं। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए आप फिर से याद कीजिए कि स्ट्रिंग थ्योरी के तार वायलिन के उन तारों जैसे ही हैं जिनसे संगीत के सुर निकलते हैं। इन तारों के हर कंपन से बुनियादी कण पैदा होते हैं और कुदरत की शक्तियों को बल मिलता है और उनसे ही हमारे ब्रह्मांड की हर चीज बनी है। मगर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि संगीत के वो सुर अलग अलग तारों को वाइब्रेट करने पर निकलते हैं। अगर देखें तो वो अलग अलग सुर अलग अलग कण और कुदरत की अलग अलग शक्तियां पैदा करेंगे जिससे एक अलग ब्रह्मांड बनेगा। सुर बदलते ही एक अलग ब्रह्मांड बन जाएगा। जिस तरह से वायलिन के तारों से अनगिनत सुर बन सकते हैं वैसे ही कई लाख करोड़ ब्रह्मांड भी बन सकते हैं। हम उन्हें देख नहीं पाते क्योंकि वो हमारे ब्रह्मांड की सीमाओं से बहुत दूर है और उन सबका अपना इतिहास है, अपनी खूबियां हैं। कुछ बड़े अस्थिर भी हैं जो टूटकर वहीं चले जाते हैं जहां से आए थे। कुछ ऐसे हैं जो तारे या ग्रह नहीं पैदा कर सकते, इसलिए वहां अंधेरा है, ठंडक है। मगर कुछ बड़े होते हैं और हमारे ब्रह्मांड की तरह तारे और तारा मंडल बनाते हैं। हो सकता है कि एक दिन हमें एक ऐसा ब्रह्मांड मिल जाए जो बिल्कुल हमारे ब्रह्मांड जैसा ही हो और हम वहां रह सकें। हमारे वजूद का मतलब है कि हमारा ब्रह्मांड हमारे रहने के लिए सही है। जाहिर है ब्रह्मांड की कुंजी की तलाश में हमें जो नतीजे मिले हैं उनकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हमें शायद दूसरे ब्रह्मांडों की कुंजी भी मिल गई है। लगता है जैसे एम थियरी नियमों का वो सिस्टम है जिससे हर चीज संचालित होती है। यही है ग्रैंड डिजाइन।